टीवी क्वीन एकता कपूर के पैर डेफिनेटली इस वक्त जमीन पर नहीं पड़ रहे होंगे, और हो भी क्यों ना, उनके शो नागिन 3 ने टीवी पर कब्जा जो जमा लिया है। शो में अनीता, करिश्मा और सुरभि ज्योति ने 4 चांद लगा दिए। साथ ही स्पेशल इफेक्ट से भी शो को 2 गुना फायदा हुआ है। खैर, ये तो हुई बात शो की रेटिंग की, लेकिन फिलहाल एक सवाल ऑडियंस की बेकरारी बढ़ा रहा है कि आखिर बेला नागिन है ये खुलासा कैसे होगा शो में। पर पिछले दिनों ये खबर आई थी कि बेला इच्छाधारी नागिन है, लेकिन अब सामने आ रही खबरों की माने तो बेला इच्छाधारी नागिन नहीं है, बल्कि वो तो एक मणिधारी नागिन है। जी हाँ, कहा जा रहा है कि वो एक ऐसी नागिन है जो मणि की रक्षा करती है, लेकिन इसका खुलासा शो में कुछ दिनों के बाद होगा। तो चलिए, कैसे इस मणिधारी नागिन का राज खुलेगा, इसकी डिटेल हम आपको बताते हैं। बल कुछ दिन पहले हमने आपको ये बताया था कि माहिर और बेला की शादी शो में बड़ा ट्विस्ट लेकर आएगी, लेकिन सोर्सेस की माने तो ये सब कुछ बेला और विश के प्लान का ही हिस्सा है। मगर फिलहाल तो बेला एक किसान की बेटी की भूमिका में दिख रही हैं। हालांकि आगे ये रिवील होगा कि वो नागराज विक्रांत यानी कि एक्टर रजत टोकस की ही छोटी बहन होंगी, जिसे बचपन में एक किसान ने अडॉप्ट कर लिया था। और सुनने में आया है कि आगे शो में बेला को ये जल्द ही एहसास होगा कि उसके पास कुछ स्पेशल पावर्स हैं, जबकि वो अब तक इस बात से अनजान ही है। करेंटली बेला और विश के बीच भी काफी टेंशन दिखाई गई, जहां सुरभि ने ये साबित करने की कोशिश की कि विश एक इच्छाधारी नागिन है, लेकिन आगे उसे खुद ये पता चलेगा कि वो खुद भी एक नागिन है, और फिर शुरू होगी असली बदले की कहानी। लेकिन वो इच्छाधारी नागिन बनकर नहीं, बल्कि अपना बदला लेंगी मणिधारी नागिन बनकर, और वो भी विश के साथ। तो अब इस डिटेल को जानने के बाद आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।